हेलो बच्चों, आज हम आवयव के कुछ टॉपिक सेशन हैं वो पढ़ेंगे। उप आवयव किसे कहते हैं ध्यान देंगे। किसी आवयव के कुछ पंक्तियों या स्तंभों को कम कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जो शेष आवयव बचते हैं, जो शेष बचते हैं वही कहलाते हैं उप आवयव। यानी किसी आवयव के पंक्तियों या स्तंभों को निकाल देने पर या छोड़ देने पर जो शेष बचते हैं उसे हम कहते हैं उप आवयव। जैसे आय आवयव ए इक्वल टू यहां पर थ्री फाइव माइनस सिक्स फोर टू एट वन सेवन फोर, ये आवयव है। अब इसका उप आवयव लिखना चाहें उप आवयव, ध्यान देंगे उप आवयव, हम यहां लिख सकते हैं थ्री फाइव फोर टू, जो शेष बचेंगे वह उप आवयव। इसी को हम ऐसे छोड़ना लिखना थ्री माइनस सिक्स फोर एट वन फोर, शेष बचेंगे उप आवयव। इसको और भी लिख सकते हैं फाइव माइनस सिक्स टू एट, ये कहलाते हैं उप आवयव। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यदि ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो सत्यापित करें ए डैश इंटू ए इक्वल टू वाई। हम यहां पर देख रहे हैं ए का मान दिया है, ए डैश का मान कैसे ज्ञात करें, तो ए डैश का मतलब हुआ इस आवयव का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आवयव। तो परिवर्त आवयव कैसे लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू इसको लिखेंगे कॉस अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा यह हुआ कॉस अल्फा। इसके पहले हमने बताया था ए डैश कैसे निकालेंगे, आवयव के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और ए डैश इंटू ए दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए डैश इंटू ए, ए डैश का मान रखा है यहां पर, ए हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यह हुआ साइन अल्फा, यह हुआ कॉस अल्फा इंटू ए का मान अब रख सकते हैं, ए का मान यही है कॉस अल्फा, यह हो गया साइन अल्फा, ए हो गया माइनस साइन अल्फा इंटू ए हो गया कॉस अल्फा। अब गुणनफल के लिए बच्चों हमने बताया था पहले के स्तंभों की संख्या, पहले में स्तंभों की संख्या देखते हैं, दूसरे में पंक्तियों की संख्या देखते हैं, तभी ए डैश इंटू ए संभव होगा, ऐसा इसमें है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो पहले से पहले वाले पंक्ति से दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करेंगे तो कॉस इंटू कॉस अल्फा एक कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यही काम दूसरे से करेंगे, साइन अल्फा में कॉस अल्फा से गुणा करें, यह हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हमने किया, अब इसी का मल्टीप्लाई गुणा इसमें करेंगे तो साइन अल्फा में साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसका हल करें, इसका मान रखें तो वन आ जाएगा, यहां घट करके जीरो हो जाएगा, यहां पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर जीरो होगा और यहां पर भी मान एक होगा, तो यह रहा ए डैश इंटू ए, तो ए डैश इंटू ए बराबर वन जीरो जीरो वन प्राप्त हुआ, तो ए डैश इंटू ए इसी को हम आई लिख सकते हैं। आई का मतलब हुआ इकाई या तत्समक आवयव, यहां पर पंक्तियों की संख्या दो और स्तंभों की संख्या दो तो ओ आर इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए डैश इंटू ए बराबर आई टू, यही सिद्ध करना था
अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे जो एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। पिछले दो साल से पूछे जा रहे हैं यूपी बोर्ड में, आप विशेष रूप से उसको अभ्यास करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, पुनः मिलेंगे।